क्या आप जानते हैं कि एक देश एक विधान एक निशान का नारा किसने दिया? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, ये नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। ये महान क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी दूरदर्शी थे। ये तो आपको पता ही है कि 1950 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, जिसके कारण इसे विशेष दर्जा हासिल था। एक ही देश में दो विधान, दो प्रधान और दो झंडे थे, और इसी का 1950 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये देश हित में नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में लगा दिया। 1950 में नेहरू जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो आगे चलकर बीजेपी पार्टी बनी। 1953 में कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के विरोध में कश्मीर गए, जहां इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वहां पर इनकी रहस्यमय